मंदिर दे पंडित ते लगे छेड़छाड़ दे इल्जाम। दो बच्चियां दी मां नाल कीता दुष्कर्म। मंदिर च मत्था टेकन गई सी महिला, पंडित ते लगे ने गंभीर इल्जाम। खबर खन्ना तो सामने आई है जिथे की एक महिला ने मंदिर दे पंडित ते छेड़छाड़ दे इल्जाम लगाए ने। हालांकि महिला दा आरोप है कि ओह मंदिर विखे नतमस्तक होने लई गई सी अते जद ओह मंदिर च मौजूद सी तां उत्थे दे पंडित ने उस दे नाल दुष्कर्म कीता, जिस तों बाद महिला ने मंदिर च रौला पा दिता अते आसे पासे दे लोकां तों मदद की पुकार करनी शुरू कर दिती। हालांकि कड़ी मशक्कत तों बाद उसने पंडित तों अपनी जान बचाई। महिला ने मंदिर दे पंडित ते आरोप लगांदे होए कहा कि उन्हां दे घर दे नेड़े ही एक पंडित बीते 20 तों 25 सालां तों रह रहा है अते उसने अपने घर दे नाल ही एक मंदिर बनाया होया है जिथे कि अक्सर स्थानक लोग नतमस्तक होने लई जांदे ने अते इह महिला भी उत्थे नतमस्तक होने लई गई सी। उन्हां कहा कि जद मैं मंदिर च मौजूद सी तां उसे वक्त पंडित दे वल्लों मेरे नाल छेड़छाड़ की गई। हालांकि जद महिला मंदिर च मौजूद सी तां उस वक्त पंडित मंदिर च साफ सफाई कर रहा सी अते उसे समय पंडित दे वल्लों महिला दे नाल छेड़छाड़ की गई है। तुहानूं दस दईए कि उक्त महिला दो बच्चियां दी मां है अते उसकी उम्र 50 साल दे करीब है अते मंदिर दे पंडित ते एक व्याही महिला दे नाल छेड़छाड़ दे गंभीर इल्जाम लगे ने। हालांकि इस घटना नूं सुनने तो बाद स्थानक लोकां ने पंडित दा जम के विरोध किया अते पुलिस दे वल्लों मंदिर दे पंडित नूं हिरासत दे विच लै लिया गया है अते अग्गे दी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पर जी मंदिर के पुजारी के इंतजाम लगाने के पास में हम लोग के घर है, हम लोग रोज माथा टेकने जाते हैं। हम लोग माथा टेकने गया था तो पुजारी अकेले ही था, मैं भी अकेले ही थी। वो पोछा लगा रहा था मंदिर में, अब पोछा लगा के छोड़ दिया, पोछा छोड़ दिया, मेरे पास चल गया, पूरा भर पर जाके पकड़ लिया, पकड़ के किस करने लगा, मुंह में मुंह जबरदस्ती रगड़ने लगा। अब बोला था कि चाची, और चाची कह के मेरे को पकड़ लिया, पकड़ के देखा मुंह में मुंह रगड़ने लगा, वो पूरा किस लेने लगा। वो हम लोटा छोड़ा के दे छोड़ा के भागे तो पूरा पीछे से पकड़ लिया, पकड़ के लेके फिर मैं मंदिर में गया, करा कि जल चढ़ाओ तो हम जल चढ़ा दिए जय लोटा में के था। फिर हम छोड़ा के पीछे भाग गया, मेरे पीछे फिर पड़ गया, वो फिर पीछे पड़ गया, पूरा दौड़ गया वो मेरे पकड़ने के लिए, तो हम दे छोड़ा के भागा था, हम भागे हैं इज्जत छोड़ा के, मेरे इज्जत के सत्यानाश कर दिया है मंदिर में। कितने दिनों की बात है ये? 3 दिन के हो गया, ये 9 बजे सुबह 9 बजे थे, 9 बजे आपने पुलिस को बताया? हाँ हम लोग आए थे। तो क्या कहते हैं पुलिस वाले? पुलिस वाला कहते हैं कि अथी करो, इंसाफ मांगो, इंसाफ हम चाहते हैं कि इंसाफ मिलो, उसका सजा मिलो। तो पुलिस ने अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया? नहीं, अभी नहीं किए हैं। तो ये मंदिर में रहता है पुजारी? हाँ, ये सारा परिवार यही रहते है, और सारा परिवार सारा मेरे गोर पर माफी मांग रहा था, सारा गिर गिरा रहा था, सारा नाक लगा रहा था कि जूता चप्पल से मारो, मेरे से गलती हो गया, जूता चप्पल से मारो। और फिर जब थाना में गया तो सारा के सारा पलट गया, करे कि जबरदस्ती माफी मांगवा रहे, जबरदस्ती गिर गिराने के लिए बोला है, एक एक दुश्मनी सधा रहे हैं। क्या चीज के दुश्मनी वो लोग से सधा रहे हैं? मेरा तो इज्जत एक धजिया उड़ा दिया उमल दिन में। कितने लोग आते हैं मंदिर में? बहुत लोग आते हैं, दूर दूर के आदमी आते हैं माथा टेकने के लिए, दूर दूर के आदमी आते हैं माथा टेकने के लिए। अगर मंदिर का पुजारी ऐसी हरकतें कर रहा है तो क्या मांग करते हैं? क्या मांग करते हैं? उसका सजा होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। कितने छोड़ेंगे नहीं हम? मेरा बच्चा 2 है, एक लड़का है एक लड़की है, हम छोड़ेंगे नहीं। देखो सानू हुणे पता लगया कि मंदिर हैगा फाटक टप के, ते उत्थे जिहड़ा पुजारी है वो बड़े दिनों तो रह रहा, और पहला भी एक शिकायत मिली सी जिहड़े लेडीज़ नूं इह फड़ लैंदा है। देखो सनातन धर्म है, जे एक मंदिर दे विच इह जिहा काम होगा तो असी सारे बदनाम होवांगे, क्योंकि जे असी वो ठीक नहीं रहांगे, जे असी सुधार नहीं अपना करांगे तो फिर तो जनता अपने को आऊगी किवें, अपना सनातन धर्म किवें रहूगा। इस करके इन्हें गलत किया, मैं प्रशासन तो मंग करदा कि इहदे ते परचा किया जाए और उन्हें अरैसट करके जेल भेजा जाए और इनू पक्का ही मंदिर तो हटाया जाए ताकि कदे भी मंदिर जावे ना। ये साढ़े को एक बबीता देवी नाँ की लेडीज़ है, इसने साढ़े को शिकायत करी सी भी त्रिलोकनाथ मंदिर है मदनेरी रोड से, उतों का जो पुजारी है प्रभु राय ने उस जी छेड़छाड़ करी है, इस संबंधी साढ़े को मैटर आया से, जिस संबंधी असी बबीता देवी की स्टेटमेंट लिख के अकॉर्डिंग कानून गिरफ्तारी। चौथा BNS
तहत जी है एफ आई आर लॉन्च की।